हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हम सबकी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी पे। जीतना है किसी भी हालत में हम सबको, और यदि सपना देखा है और शिद्दत से मेहनत की है तो हर कीमत पे जीत होगी दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। आप लोगों ने टेलीग्राम, आप लोगों ने जो थंबनेल है उसमें देख ही लिया होगा कि आज हम लोक अदालतों के ऊपर पूरा एक डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। लोक अदालतें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, ठीक है, और बहुत माइन्यूट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं ललिता, यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। जहां तक बात की जाए सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में मेरे अनुभव की, तो आईएएस के साथ अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है, इंटरव्यूज का अनुभव है, एमए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही क्वालिफाई है। मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास रहा है दोस्तों, आईएएस मेंस और पीसीएस मेंस में, इसलिए मैं इतिहास भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया एकेडमी से। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। ये मेरा इंस्टाग्राम है, जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज ललिता दहिया एकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, जितना शेयर हो सके उतना शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, या आप लोगों का कोई अन्य सजेशन है तो मुझे कमेंट कीजिए। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। सबसे पहले बात करते हैं कि लोक अदालत, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। वर्तमान समय में लोक अदालतें विवाद समाधान के सबसे प्रभावशाली उपकरण के तौर पर उभर के आए हैं। मान लो दो पार्टीज के बीच में विवाद है, तो उस विवाद समाधान के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण के तौर पर लोक अदालतें उभर के आई हैं। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 2021 में 12 करोड़, लगभग 13 करोड़ मान सकते हैं, लगभग 13 करोड़ मामलों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से किया गया है। तो ई लोक अदालतें एक तरीके से एक नई उभरती हुई प्रवृत्ति है जो कि पार्टियों के दरवाजे तक पहुंच गई हैं। इससे लोक अदालतों की जो सुलभता है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंची है। और ऐसे देश में जहां पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट में हजारों लाखों जो है की संख्या में यदि हम टोटल बात करें मामले पेंडिंग है, तो वहां पे लोक अदालतों का महत्व और बढ़ जाता है। जहां पे तीव्र न्याय की संकल्पना है, जहां पे एक तरीके से सस्ते न्याय की संकल्पना है, मेरी बात समझ में आई आपको? तो तीव्र न्याय, सस्ता न्याय और सुलभ न्याय, यानी प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से सुलभ हो सके, ऐसा न्याय लोक अदालतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। और भारत जैसे देश में जहां पे न्यायालयों के पास इतने पेंडिंग केसेस हैं, जहां पे आप सालों साल लग जाते हैं आपको डिसीजन पे पहुंचने में, तो ऐसे देश में लोक अदालतों का महत्व बढ़ना लाजमी सी बात है। अगली बात मैं आप लोगों को दोस्तों ये बताना चाहूंगी, चलो पॉइंट वाइज करते हैं, धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली बात, लोक अदालत का मतलब क्या है, यही से समझिए। लोक अदालत, लोगों की अदालत, पीपुल्स कोर्ट इसको बोलते हैं, यानी लोगों की अदालत। याद रखिएगा, ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। गांधी जी क्या कहते थे कि भाई दो पक्षों में विवाद हुआ, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपस में बैठो, किसी तीसरे न्यूट्रल व्यक्ति को बैठाओ और मामले को सुलटाओ। यही है गांधीवादी पैटर्न मामलों को सुलझाने का। तो हम लोक अदालतों को कह सकते हैं कि लोक अदालतें गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर काम करती हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोक अदालतें प्राचीन भारत में जो न्याय निर्णय प्रणाली थी उसका पुराना रूप है, वर्तमान में इसकी वैधता बरकरार है। आप देखेंगे कि प्राचीन भारत में आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां पे मामलों को आपसी बैठ के सुलझा लिया जाता था। तो ये उसी का एक नवीनतम रूप लोक अदालतों को कहा जा सकता है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के घटकों में से एक है। आम लोगों को औपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय। याद रखिएगा, यदि आप लोगों से कभी लोक अदालतों का उद्देश्य पूछा जाए तो लोक अदालतों का उद्देश्य ही है सस्ता न्याय और शीघ्र न्याय। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आपको? अब इसकी एक पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। सबसे पहले 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी बनाई गई थी बिना किसी वैधानिक समर्थन के, मतलब बना दी गई भाई, जिसमें पार्टीज आपस में बैठेंगी, मिलके एक तरीके से समझौते तक पहुंचेंगी या फिर डिसीजन तक पहुंचेंगी।
ये जो 1982 का जो गुजरात में पहल की गई, ये काफी सक्सेसफुल हुआ और इसकी सफलता को देखते हुए फिर ये सोचा गया कि क्यों ना लोक अदालतों को हम वैधानिक दर्जा दे दें और इसको एक बेहतर तरीके से इनका संचालन किया जाए। समझ में आया? तो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इन्हें वैधानिक दर्जा दे दिया गया। यह अधिनियम लोक अदालतों के संगठन और कामकाज से संबंधित है, याद रख लीजिएगा। यानी यदि आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई लोक अदालतें क्या हैं, संवैधानिक हैं, वैधानिक हैं कि एवं हैं, तो आपको याद रखना है कि लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है और किसके तहत? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी कि ये कानूनी है, ठीक है। और ये जो एक्ट है इसके तहत पूरा इनका संगठन क्या होगा, ये काम कैसे करेंगी, ये तय किया गया है। हम एक बार रिवाइज भी करेंगे, आशा है यहां तक आप समझ गए होंगे। लोक अदालतों की पृष्ठभूमि, गांधी जी का मत, सुप्रीम कोर्ट का मत, किस तरीके से लोक अदालतों ने पिछले वर्षों में बेहतर काम किया है, किस तरीके से 1982 में पहली बार गुजरात में लोक अदालतों की संकल्पना आई, उसकी सफलता और लोकप्रियता को देखते हुए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। अब यदि हम इसके संगठन की बात करें तो एक क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, पूछा था कि लोक अदालतों का गठन कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण है, जैसे नलसा है, सलसा है, डलसा है, ठीक है, जो लीगल अथॉरिटीज हैं वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तालुका कानूनी सेवा समिति, ये सब लोक अदालतों का गठन कर सकती हैं ऐसे समय पे और ऐसे स्थानों पे जो ये तय करें। समझ गए? यानी अलग अलग लोक अदालतों का ये सारी एजेंसियां गठन कर सकती हैं और जो एजेंसी गठन कर रही है लोक अदालत का, वही ये तय करेगी कि भाई किस स्थान पे लोक अदालत गठित की जाएगी और उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, यानी उस लोक अदालत का विषय क्या होगा, ठीक है। तो ये सब जो लोक अदालतों का आयोजन कर रही है वो डिसाइड करेगी कि भाई लोक अदालत कहाँ बैठेगी, उसके विषय क्या होंगे। समझ में आया? यानी लोक अदालतों को कौन कौन गठित कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, जो भी कानूनी सेवाएं हैं, नलसा, सलसा, तालुका समितियां हैं, ये वहां पे एक ऑप्शन दे दिया था, अगर आप लोगों को याद हो सीडीएस का क्वेश्चन था, पंचायतें, तो याद रख लीजिएगा पंचायतें लोक अदालतों को गठित करने की शक्ति नहीं रखती हैं, याद आ गया होगा कई सारे बच्चों को, सीडीएस का क्वेश्चन में डील करा रही थी आईएएस के लिए, तो याद रखना। दूसरी बात, किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत या सेवानिवृत्त न्याय अधिकारी और क्षेत्र के अन्य व्यक्ति शामिल होंगे जैसा कि आयोजन करने वाली एजेंसी निर्दिष्ट करे। याद रखना दोस्तों, सामान्यतः इसमें एक जो अध्यक्ष होते हैं जो कि सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, साफ साफ लिखा है सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, प्लस दो अधिवक्ता होते हैं यानी कि दो वकील होते हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है, सोशल एक्टिविस्ट होता है, ये एक सामान्य पैटर्न है इसका। लेकिन जरूरी नहीं हो कहीं पे ये जो दो वकील हैं इसके स्थान पे एक वकील होता है, जैसे कि सामान्यतः एक लोक अदालत में एक अध्यक्ष के रूप में न्यायिक अधिकारी होंगे, एक वकील होगा और एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा। तो ये डिपेंड करता है कौन इसको संगठित करा रही है, कहां संगठित करा रही है। मोटे तौर पे एक जो इसके अध्यक्ष होंगे जो कि न्यायाधीश होंगे, और दो वकील या कहीं कहीं पे एक वकील और एक सामाजिक कर्ता, ये अब बैठेंगे लोक अदालत का आयोजन इस तरीके से कराएंगी ये अलग अलग समितियां, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखनी है कि जो नलसा है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अन्य कानूनी सेवाओं के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है। नलसा का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण, आपको पता है, 1987 के तहत 1995 को किया गया था, ठीक है, जो समाज के कमजोर वर्गों को मुक्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु एक समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए लागू हुआ है। याद रखना, यहीं पे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, निशुल्क और कानूनी सहायता, यानी 39A DPSP जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 39A बात करता है निशुल्क विधिक सहायता की, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो नलसा है
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका गठन किया गया 1987 के एक्ट के तहत 1995 में। जो भी गरीब लोग हैं, जो न्याय प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं है उन लोगों के पास, तो वो नलसा के माध्यम से न्याय प्राप्त करने की अहर्ता रखते हैं। समझ में आया? दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये जो निशुल्क न्याय है, या हम कहें लोक अदालतों की संकल्पना, कौन कौन से आर्टिकल को संरक्षित करती है, तो दो अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। एक तो भाई 39A याद ही हो गया, निशुल्क विधिक सहायता। एक आपको याद रखना है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्यों जुड़ता है लोक अदालतों से? विधि के समक्ष समता। तो भाई विधि के समक्ष समता में कानूनी समता भी तो आएगी, न्याय प्राप्त करने की समता भी तो आएगी। यदि हम नलसा या लोक अदालतें, इन सब चीजों की व्यवस्था ना करें, तो जो गरीब व्यक्ति है उसके पास उतने संसाधन, उतना पैसा नहीं होता है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जिला कोर्ट, मतलब किसी की भी वो फीस को, वो क्या बोलते हैं उसको, अफोर्ड कर सके। मेरी बात समझे आप? तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39A सीधा सीधा जुड़ता है लोक अदालतों की अवधारणा से भी और नलसा की अवधारणा से भी। कभी यदि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों से पीटी में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अगली बात हमको ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई इनके पास क्षेत्राधिकार क्या है। एक बार क्वेश्चन आ गया था, याद है, कि जो लोक अदालतें हैं इनके पास केवल सिविल मामले होते हैं, केवल सिविल। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, केवल सिविल मामले ही नहीं होते ये, अपितु लोक अदालतें आपराधिक मामलों को भी देखती हैं, जो कि कंपाउंडेबल आपराधिक होते हैं। यानी ऐसे आपराधिक नहीं जो नॉन कंपाउंडेबल हो, जैसे रेप का केस हो गया या फिर किसी के मर्डर का केस हो गया, ऐसे आपराधिक केसेस लोक अदालतें नहीं देखेगी। लेकिन जो छोटे मोटे आपराधिक केसेस हैं, मान लो किसी ने किसी की भैंस चुरा ली, भाई चोरी का मुकदमा लग गया, अब दूसरा आदमी कहे कि ना ना, मैं तो जो है सुप्रीम कोर्ट, मैं तो जो है जिला कोर्ट जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा हाई कोर्ट, तो उसको समझाएंगे चार पांच आदमी कि ऐसा है भाई, जितना पैसा तुम जिला कोर्ट और हाई कोर्ट और आगे लगाओगे, उतने पैसे में तुम 5 ठो भैंस खरीद सकते हो। तो आदमी सोचेगा अच्छा ये बात है, मतलब 5 भैंस आ सकती है उतने पैसे में। तो कहेगा ना हमको नहीं जाना है वहां, तो हमको कोई सस्ता रास्ता बताइए, हमको कोई सस्ता रास्ता बताइए और ऐसा रास्ता बताइए जहां तीव्र न्याय मिल सके। तो उसको कहेंगे कि आप जाओ कहां? लोक अदालत में। समझ में आया? तो लोक अदालतों का इंपोर्टेंस। अब आते हैं क्या क्या इसका क्षेत्राधिकार है। लोक अदालत के पास विवाद के समाधान के लिए पक्षों के बीच समझौता या समझौता तय करने का अधिकार होगा। दोनों पक्ष आएंगे कि ठीक है भाई चलते हैं लोक अदालत, और दोनों पक्षों के बीच समझौता करने का दायित्व है किसका? लोक अदालतों का। किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई लंबित मामला हो, याद रखना सीधा क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऐसा मामला लोक अदालत में नहीं जा सकता जो किसी न्यायालय में लंबित है, तो याद रखिएगा ऐसा मामला भी लोक अदालत में जा सकता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति का किसी से कोई विवाद हुआ, वो बोला कि हम तो जाएंगे जिला न्यायालय। अब वो जिला न्यायालय गया, वकील ने ले लिए उससे 2 लाख रुपये कि भाई हम तुमको जितवाएंगे, वो वहां पे हार गया। अब वो गया हाई कोर्ट, अब वो जो है जा रहा है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और फाइनली थक गया। अब वो कहेगा भाई हमसे ना हो पाएगा, तो अब क्या होगा? अब तो मामला कोर्ट में लंबित है, अब क्या करें? तो फिर कोई उसको बताएगा कि ऐसा है, अब भी आप लोक अदालत में जा सकते हो। कैसे? आप कोर्ट को लिख के दे दीजिए कि भाई हम लोक अदालत के माध्यम से अपना मामला सुलझाना चाहते हैं। समझ में आया? तो दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी या दोनों पार्टी मिलके कहें कोर्ट को कि भाई हम आपस में अपना मामला सुलझाना चाहते हैं, तो फिर मामला जा सकता है लोक अदालत के पास। समझ में आया? यानी किसी भी न्यायालय में लंबित कोई मामला है वो भी लोक अदालत में जा सकता है। दूसरी बात, कोई मामला जो किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है उसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता, इसे अभी छोड़ दीजिए। अदालत के समक्ष लंबित किसी भी मामले को निपटान के लिए लोक अदालत में भेजा जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, लंबित मामले को भेजा जा सकता है यदि दोनों पक्ष लोक अदालत में विवाद निपटाने के लिए सहमत हो कि भाई हम लोक अदालत में ही विवाद निपटाएंगे, या कोई एक पक्ष लोक अदालत में मामले को भेजने के लिए संदर्भित करता है, तब भी
जा सकता है, या फिर अदालत खुद संतुष्ट हो जाए कि मामला लोक अदालत में हल किया जा सकता है, फालतू ये हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तीन कंडीशन में मामला यदि कोर्ट में लंबित है तो भी लोक अदालत में जा सकता है, यदि दोनों पार्टियां कहें तो भी, यदि एक पार्टी कहे तो भी, और यदि अदालत खुद संतुष्ट हो जाए कि भाई ये छोटा मोटा मामला आराम से लोक अदालत में सुलटाया जा सकता है। इन तीन कंडीशन में न्यायालय के समक्ष लंबित वाद भी लोक अदालत में जा सकता है। ठीक है, इस लाइन को भी छोड़ दीजिए, हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहां पे हो सकते हैं नॉन कंपाउंडेबल की बात कर रहा हूं मैं, आगे एक्सप्लेन करूंगी उसको। अब पूर्व मुकदमेबाजी के मामले में विवाद के किसी भी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने के मामले में लोक अदालत में भेजा जा सकता है, आप समझ चुके हैं। अब इसमें कौन कौन से मामले आते हैं, जैसे वैवाहिक परिवाद हो गया, आपराधिक जो शमनीय अपराध होते हैं मतलब जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले इसमें आएंगे, श्रम विवाद जो होते हैं वो इसमें आएंगे, कामगारों के मुआवजे के संबंधित जो विवाद होते हैं, बैंक वसूली से संबंधित विवाद, ये सभी विवाद लोक अदालतों के दायरे में आते हैं। ठीक है, पारिवारिक हो गया, आपराधिक मामले हो गए, छोटे मोटे आपराधिक मामले, याद रखना कंपाउंडेबल आपराधिक मामले, नॉन कंपाउंडेबल वाले कभी भी लोक अदालत में नहीं आ सकते, जैसे रेप है, मर्डर वगैरह है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण के मामले हैं, श्रम विवाद के मामले हैं, कामगार के मुआवजों के मामले हैं, बैंक वसूली से संबंधित मामले हैं, ये सारे मामले लोक अदालतों के माध्यम से सुलटाए जा सकते हैं। मान लो दो पार्टियों का विवाद है आपस में 5-10 लाख रुपए के ऊपर, अब वो कहें कि नहीं हम तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, तो भाई लड़ लो, 50 लाख तो अपने घर से फूंक दोगे, समय और लग जाएगा, तो कहेंगे कि ठीक है भाई आपस में मिल बैठ के लोक अदालत में जाते हैं, बात खत्म। ठीक है, ये है लोक अदालतें। हालांकि लोक अदालत के पास किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकार नहीं होगा जो कि कानून के तहत कंपाउंडेबल अपराध से संबंधित नहीं है, यानी जो नॉन कंपाउंडेबल है, जो नॉन कंपाउंडेबल है ऐसे अपराध लोक अदालतों में नहीं आएंगे। दूसरे शब्दों में जो अपराध किसी भी कानून के तहत गैर कंपाउंडेबल है वो लोक अदालत के दायरे से बाहर आएंगे, पीटी लिख लीजिएगा। यानी यदि आप लोगों से इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्या कि लोक अदालतों में केवल सिविल मामले जा सकते हैं, तो गलत हो जाएगा, सिविल मामलों के साथ आपराधिक मामले भी जा सकते हैं, पहली बात। अब कहे कि लोक अदालत में कंपाउंडेबल के साथ साथ नॉन कंपाउंडेबल मुकदमे भी जा सकते हैं, तो गलत हो जाएगा, लोक अदालत में कंपाउंडेबल मुकदमे जा सकते हैं, छोटी मोटी चीजें जा सकती है, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, या मतलब छोटी मोटी चोट आई है, या किसी ने किसी की भैंस चुरा ली, या किसी ने जो है किसी के 500 रुपए चुरा लिए, 1000 रुपए चुरा लिए, 1,00,000 रुपए चुरा लिए, मतलब छोटी मोटी चीजें, तो ये जाएंगी लोक अदालत में। जो बड़े बड़े अपराध हैं, जो संगीन अपराध हैं, वो लोक अदालतों में नहीं जाएंगे। होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, कंपाउंडेबल जाएंगे, नॉन कंपाउंडेबल अपराध नहीं जाएंगे। अगली बात, लोक अदालत की शक्तियां तो मैं कराऊंगी, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। क्षेत्राधिकार मैंने बताया कि समझौते के पे आधारित होंगे, सीधे कोई मामला लोक अदालत में बिल्कुल जा सकता है, दो पार्टियां जब सहमत हो कि भाई चलो लोक अदालत में जाके मामला निपटाते हैं, या ऐसा कोई मामला जो किसी न्यायालय में लंबित है वो भी लोक अदालत में जा सकता है, तीन कंडीशन में मैं बता चुकी हूँ, एक बार रिवाइज फिर से कराऊंगी। और अगली बात, मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल बताए कि भाई कौन कौन से मामले लोक अदालत में आएंगे, और अगली बात, केवल कंपाउंडेबल आपराधिक मामले आ सकते हैं, नॉन कंपाउंडेबल नहीं। यानी कंक्लूजन क्या निकला, सिविल के साथ आपराधिक मामले भी लोक अदालतों में सुने जा सकते हैं, जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब शक्तियां देखते हैं, लोक अदालत के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट में नीत होती है, पीटी लिख लीजिएगा। यानी लोक अदालत के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा एक लोक अदालत के पास अपने सामने वाले किसी भी विवाद के निर्धारण के लिए अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की, यानी जो भी विवाद है उसके निर्धारण के लिए अपनी जो भी प्रोसेस है वो लोक अदालत अपनी प्रोसेस को निर्दिष्ट करने की शक्ति रखती है। मोटे तौर पे कहें कि लोक अदालत जो सामान्य अदालतें होती है उनके प्रक्रियाओं से बंधी हुई नहीं है, समझ में आया, यानी वो अपनी प्रक्रिया का डिसीजन खुद ले सकते हैं, भाई हमें मामला कैसे निपटाना है। ठीक है, वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधी हुई नहीं है। दूसरा,
तीसरा, लोक अदालतों के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएंगी और प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य के लिए एक दीवानी न्यायालय, ये बात आपको समझ में आ गया कि भाई लोक अदालत को दीवानी न्यायालय माना जाएगा और जितनी भी कार्यवाहियां हैं वो भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएंगी। ठीक है, दीवानी न्यायालय की सारी शक्तियां होंगी। लोक अदालत का फैसला किसी दीवानी अदालत की डिक्री या अन्य आदेश माना जाएगा, मतलब बाउंडेबल होगा, वो बाध्यकारी होगा और लोक अदालत द्वारा दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट, पीटी लिख लेना, इसके द्वारा दिया गया निर्णय सभी पक्षों के लिए अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं होगी, याद रख लीजिएगा। दो लोग सहमति से गए थे, लोक अदालत ने एक निर्णय दिया, वो निर्णय दोनों पार्टियों को मानना बाध्यकारी होगा। आप लोक अदालतों के खिलाफ फिर कोई अपील नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं दिया गया अपील का अधिकार, याद रखना, इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि फिर तो एक और बर्डन बढ़ जाता जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। फिर ये जो हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं ये और हजारों में तब्दील हो जाते। भाई लोक अदालतों का गठन ही किया गया था सस्ता न्याय मिले और तीव्र न्याय मिले, और वहां पे भी यदि अपील का अधिकार दे दिया जाता तो लोग मानने वाले तो है नहीं, ईगो संतुष्ट नहीं होती किसी भी व्यक्ति की, तो फिर वो कहेगा ना 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 मैं तो जाऊंगा भाई अपील करूंगा। तो भाई शांत बैठो, निर्णय आ गया है, मानो, बात खत्म। समझ में आया? यानी इस पेज में हमें दो तीन चीजें ही समझनी है कि जो लोक अदालतें हैं उनको सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, दूसरी बात ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी जो कार्यवाही मानी जाएगी, तीसरी बात ये जो प्रक्रिया प्रोसेस निर्धारित करते हैं अपनी प्रोसेस निर्धारित कर सकते हैं, संविधान या फिर जो दंड प्रक्रिया संहिता की जो प्रोसेस है उससे बंधे हुए नहीं है लोक अदालतें, और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लोक अदालत के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, अंतिम होते हैं, इनके खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। इनका महत्व आपको पता है कि भाई इन न्यायालयों के तहत कोई शुल्क नहीं है, यहीं से सबसे बड़ा महत्व निकल गया। भारत में बड़ा तबका गरीब लोगों का है, मिडिल लोअर मिडिल क्लास का है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके न्याय को, तो सबसे पहली बात है भाई न्यायिक शुल्क नहीं है, और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है और लोक अदालत में मामला निपट जाए तो उनको वो राशि भी वापस कर दी जाएगी। यानी बिल्कुल न्यायालय शुल्क नहीं है लोक अदालतों के माध्यम से मामला निपटाने के लिए। दूसरा, लचीलापन है, त्वरित सुनवाई होती है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। दूसरा महत्व है इसका भाई सीधी त्वरित सुनवाई हो गई, कभी पीटी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले। फिर विवाद के जो पक्षकार हैं सीधे वकील के माध्यम से न्यायाधीश से बात कर सकते हैं, आप जब जिला या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जाते हो तो आप जज से बात नहीं कर सकते सीधा, ठीक है, जो कि नियमित अदालतों में संभव नहीं है, यहाँ पे कर सकते हो। और लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होता है और इसे सिविल कोर्ट की डिग्री प्राप्त होती है तथा यह गैर अपील करने योग्य होता है, निर्णय दे दिया तो निर्णय दे दिया, जिससे अंततः विवादों के निपटारे में देरी नहीं होती है। गैर अपील यह हो गया तो दोनों की ईगो भी संतुष्ट हो जाती है कि ठीक है भाई अब तो जो फैसला आ गया भगवान की जो मर्जी थी वही हो गया। समझ में आया? लोक अदालतें, ये है लोक अदालतें। अब इतनी से लोक अदालतों से 8 से 10 प्रकार के पीटी में क्वेश्चन बनते हैं, अब आप बिल्कुल सक्षम होंगे। मैं एक बार फटाफट बता देती हूं दोस्तों, लोक अदालतें वैकल्पिक समाधान का सबसे प्रभावशाली उपकरण है और लगभग 13 करोड़ मामलों को अब एक तरीके से निपटाया गया, 13 नहीं लगभग, ध्यान रखिएगा 2021 में, ठीक है। लोक अदालत गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर आधारित है, ध्यान रखना, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि प्राचीन भारत की जो न्याय निर्णय प्रणाली थी कि भाई बैठ के विवादों का समाधान, और वास्तव में भी आप इस चीज को समझिए, मान लो किसी की 20,000 की चोरी हो गई और वो फालतू में 20,000 की चोरी के ऊपर यदि 2 लाख रुपए खर्च कर देता है कोर्ट में, तो फिर ये कोई समझदारी नहीं है, चुपचाप जाओ लोक अदालत में, कोई शुल्क नहीं लगेगा, जल्दी आपको न्याय मिल जाएगा। समझ में आया? तो गांधीवादी सिद्धांत पे आधारित है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि प्राचीन जो न्यायिक प्रणाली थी उस पे आधारित है, 1982 कोर्ट
एक तरीके से स्वैच्छिक कोड स्थापित की गई, वो काफी लोकप्रिय हुई, उसके बाद इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। पॉइंट बनता है कि लोक अदालतें वैधानिक है या नहीं, तो याद रखना वैधानिक है। कानूनी सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 के तहत इसका संगठन हमने देखा कौन कौन कर सकता है, तो राज्य जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, तालुका समितियां हैं, ये सब इसका गठन कर सकती हैं। और जो गठन कर रही है वही इसका क्षेत्र डिसाइड करेगी कि भाई यहाँ पे लोक अदालत बैठेगी और इस विषय को साथ में लेके बैठेगी, इस विषय के साथ बैठेगी, ठीक है। और इसमें कौन कौन होते हैं, तो एक एक अध्यक्ष होंगे जो सेवारत या सेवानिवृत्त, एक क्वेश्चन ये भी बना था कि इसमें केवल सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, अगर आपको याद हो तो CDS वगैरह में हम कर रहे थे, तो याद रखना सेवानिवृत्त ही जरूरी नहीं है, सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। साथ ही इसमें दो वकील होंगे, कई जगह ये एक होते हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। और नलसा को लोक अदालतों, जो नलसा है अन्य कानूनी सेवाओं के साथ लोक अदालतों का आयोजन करने का काम नलसा भी करता है, और नलसा का गठन किया गया था एक तरीके से 1987 के एक्ट के तहत 1995 में। आपको पता है नलसा किससे संबंधित है या लोक अदालतें भी, तो Article 39A निःशुल्क कानूनी सहायता और Article 14 विधि के समक्ष समता, तो इन दोनों आर्टिकल का संबंध जुड़ता है किससे, नलसा से भी और लोक अदालतों से भी। क्षेत्राधिकार आप लोगों को पता लग गया कि भाई सीधे भी लोक अदालत में जा सकते हैं, और यदि कोई मामला लंबित है न्यायालय में उस कंडीशन में भी लोक अदालतों में जा सकते हैं, यदि दोनों पार्टियां कहें, यदि एक पार्टी कहे, और यदि स्वयं न्यायालय को लग जाए कि मामला लोक अदालतों में सुलटाया जा सकता है। और इसके बाद हमने देखे कौन कौन से मुकदमे आते हैं, तो पारिवारिक हो गया, तलाक से संबंधित हो गया, आपराधिक मामले हो गए छोटे मोटे, भूमि अधिग्रहण से संबंधित, श्रम से संबंधित, कामगारों के मुआवजे से संबंधित, बैंक वसूली से संबंधित जो मुआवजे हैं यहाँ पे जाएंगे। यानी कंपाउंडेबल जो आपराधिक मामले हैं, छोटे मोटे आपराधिक मामले भी लोक अदालतें सुन सकती हैं, नॉन कंपाउंडेबल जैसे रेप है, मर्डर है, ऐसे मामले लोक अदालतें नहीं सुन सकती। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तैयार रहिएगा, ठीक है। शक्तियां हमने देख ली, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, सीधा सीधा पूछ सकता है, ये अपनी प्रक्रियाओं को तय करने की स्वयं में शक्ति रखती है। तीसरा, दंड, भारतीय दंड संहिता के तहत इसकी जो कार्यवाहियां हैं वो भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएंगी, और इसके जो निर्णय होंगे दोस्तों वो अंतिम होंगे, बाध्यकारी होंगे, और उन निर्णयों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। इसका महत्व हमने देख लिया, कोई न्यायालय शुल्क नहीं है, यदि शुल्क दिया भी है और लोक अदालतों में मामला निपट गया तो आपकी राशि आपको वापस कर दी जाएगी। लचीलापन है, त्वरित सुनवाई होती है, आप सीधे अपने जज से बात कर सकते हैं, और निर्णय बाध्यकारी होता है, गैर अपील योग्य होता है। होप दोस्तों आप लोगों को लोक अदालतें समझ में आया होगा, कितना मतलब बोझिल बना के रखे हो ना लोक अदालतों को, कितना ईजी है। 5-7 पॉइंट याद रखने हैं, इन्हीं 5-7 पॉइंट से पीटी में क्वेश्चन बनेगा, मेंस में हम फिर से इसको पढ़ेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी के लिए फटाफट रिवाइज कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगा कहाँ, होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। PDF आपको ललिता दहिया अकेडमी पे मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन आपको यहीं मिलेगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट कीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़िए मेरे चैनल से और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।